लघु सचिवालय परिसर में शुक्रवार को हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पंचायत विभाग के लीगल ऑफिसर संजीव लठवाल गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर कार्यालय पहुंच गए। किसी ने इसकी सूचना ट्रैफिक पुलिस को दे दी। ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक उन्होंने लाल बत्ती उतारकर गाड़ी में रख ली। गाड़ी में बैठकर जाने लगे तो ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस और लीगल ऑफिसर के बीच बहस हुई। का मौसम कह रही है पेंट हो गया इस पे। आप मेरे को धमका रहे हो, धर्म की जगह क्या रही है, परेशान आकर बता मैं बोले हूं भैया। ना ना आप कागज को भी गाड़ी से ठीक करा के लाऊं, आप कह रहे हो कागज रखने चाहिए। जिला ऑफिसर पंचायत को नहीं पता कागज रखने चाहिए अपने साथ। आपने ड्राइविंग लाइसेंस पूछा, मैंने आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया। आप अरेस्ट करना चाहते मेरे को अरेस्ट करा ले, मैं अपनी जमानत करा लूंगा। मैं अगर जो आप अरेस्ट करना चाहते मेरे को अरेस्ट करो, मैं अपनी जमानत करा लूंगा। ये दे दिया ना मैंने, मेरी मदर हार्ट पेशेंट है, वहां मैं सारे कागज वहाँ वही है कागज सारे। यहाँ जो 18/4 कोठी है ना तहसीलदार की, उसमें सारे कागज रखो अपना। कोर्ट का मामला है, कोर्ट में रखे ना। हमारी उनसे कोई इस बारे में बात हुई है ना, हम उनसे मिलते हैं। और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं जी प्रशासन में। कोई भी ठोस सबूत होते हैं हर चीज़ की जाँच की जाएगी। कुछ अधिकारियों पर भी उन्होंने आरोप लगाए कि भी वो करप्शन। देखिए जी, किसी पे भी आरोप लगाएं, जो भी हो उसकी जांच की जाएगी, वो रिटर्न में दें उस पर चेकिंग। तो जो आज लाल बत्ती लगा गया तो उस बारे में मेरे संज्ञान में आपके थ्रू ये मामला आया है, जैसा मैंने आपको बताया कि क्योंकि हमें कोई ऐसी नॉलेज नहीं थी। अगर है तो आप शिकायत दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी। इसके बाद संजीव ने अधिकारियों पर पिछले 6 माह से प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए। लीगल ऑफिसर पंचायत यह तो मेरी नहीं है, यह तो मेरे फादर ने रिटायरमेंट के बाद ली थी, जिसका नंबर H-12H-10-20 है। मैंने अर्बल पार्क में देखा कि DFO द्वारा लिखा गया है कि अर्बल पार्क में किसी भी प्रकार का खेल खेलना, कोई भी फुटबॉल इत्यादि खेलना सख्त मना है, जबकि वहाँ बैडमिंटन का रैकेट लगाया हुआ है। एक बैडमिंटन का अंदर है वो, उसको क्या बोलते हैं आप ज्यादा जानते हो, वहाँ बैडमिंटन खेलते हैं। तो मेरे को बड़ी इरिटेशन हुई कि जब डिप्टी कमिश्नर जो ऑल इंडिया मेडिकल साइंस के टॉपर है, IAS में चौथा तीसरा चौथा जिनका रैंक है, वही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो कानून का पालन कौन करेगा। इसलिए आवेश में आकर आज मैंने रेड लाइट गाड़ी पर रखी, ताकि प्रेस में मेरे को कवर करे और पूछे कि हेलो साहब, क्या आपको नहीं पता लाओ ऑफिसर साहब रेड लाइट गैर कानूनी है इस देश में, मोदी जी ने इसे बंद कर दिया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी ने रेड लाइट बंद कर दी है, तो SP किस लिए अपनी गाड़ी पर लाइट रखता है, किस लिए उसने एक अलग तरह की लाइट रखी, किस लिए इस DC ने अपनी गाड़ी पर लाइट रखी, जो कि अब फिलहाल उतार दी गई है। सभी व्यक्ति कानून से नीचे, न्यायपालिका से ऊपर कुछ नहीं हमारे देश में। और अपना रोष प्रकट करने के लिए मैंने इस पे लाइट रखी है। 3 साल से जो मैं यहाँ, मतलब पिछले 15/2/2019 से जो मैं मेंटली टॉर्चर जो हैरेसमेंट सह रहा हूँ, आज तक किसी अधिकारी ने नहीं सही होगी, आज तक ना मेरी सर्विस बुक पूरी करवाई। इनिशियल पे मैं अपनी सैलरी ले रहा हूँ। इस DDPO को 14 महीने हो गए राजेश कोत को यहाँ आए, अभी HCS प्रमोट होने जा रहा है, फाइल इसकी चल रही है। ये सारी ड्यूटीज DDPO की है, लेकिन सुनने में आया कि DDPO ने DC को मिसगाइड किया है। हेलो को तो आप जानते ही हैं, हेलो तो कुछ काम नहीं करता। जब आज तक माननीय उपायुक्त महोदय, आपने कोई फाइल मेरे को नहीं दी है, यदि आप कोई फाइल मेरे को पंचायत देते हो, मैं उस पर लिखता आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इन द अबाउट नोटेड फाइल, प्लीज एक्सक्यूज मी, तभी तो आप फाइल ADA के पास भेजते, DC के ADA के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजते। आज तक आपने कोई फाइल नहीं भेजी, आप कहते हैं लोगों को काम नहीं आता, काम करने वालों का कहाँ दिया। आपसे पहले जो 2 DC आए, विनय सिंह यादव और अमित खत्री, जो गुरुग्राम के DC है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। आपको 6 महीने आते क्या दिक्कत होगी। 6 महीने से मैं मेंटल टॉर्चर हूँ। PGIMS के वार्ड नंबर 13 में मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाया हुआ है, यहाँ PGI मेडिकल है ना, तो 13 नंबर। मैं ये पूछता हूँ, जब डिप्टी कमिश्नर 15/2/2019 से आए हैं हमारे जींद जिले में, एम्स के टॉपर ऑल इंडिया मेडिकल साइंस के, और शुरू से इरिटेट है। एक बार मैंने कोशिश की कि किसी तरह इनसे सॉरी फील कर लूं, इनके पैर को ले माफी मांग लूं, तो कहते हैं यहां से नहीं, उधर से आ। और वकीलों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, जो प्राइवेट वकील आए हुए थे। इससे ज्यादा हरेसमेंट क्या करेंगे, मेंटल टॉर्चर नहीं। तो चला नहीं, इसमें मैं बोलते हैं तैयार हूं, जो वेबसाइट का चलान है वो 100 रुपए का होता है, जो भी चला नहीं जुर्माना, मैं बोलते हैं तैयार हूं। लेकिन रखने का टारगेट ये नहीं था कि मैं कोई VIP बनना चाहता हूं, जो इतनी मेंटल टॉर्चर है हरेसनेस कर गया, जो मेडिकल तक करवा गया अपने 13 नंबर वार्ड से, PGI से, नेशनल मेंटल इंस्टीट्यूट हेल्थ से। अब तक आपने लिखी मेरी आवाज सरकार तक पहुंचाओ, क्या लोग साथ ये बदतमीजियां करती हैं, कोई फाइल उसके पास नहीं, अपने आप ही रोड कर रहे हैं, अपने आप पैसे खा रहे हैं, सरपंच अपने आप से हिसाब से, मेरे पास ना कोई सरपंच आता, ना कोई पंचायत सेक्रेटरी, ना कोई BDO, ना कोई SCPO, और DDPO इसके लिए मुख्य रूप से DDPO जिम्मेदार है, लेकिन हायर अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर है। आप खट्टर साहब है तो कहते हैं खाने का इंतजाम करो, तहसीलदार की ड्यूटी लगाई जाती है, तहसीलदार के 5-स्टार होटल है यहाँ, वो कहाँ से करता है इंतजाम खाने का, ये बताओ।
क्या उमरा होगा उसके घर का, तहसीलदार खड़े का इंतजाम कैसे करेगा, मुख्यमंत्री कब मिलेगा, क्या वो काला धन नहीं है? मेरा तो मानना ये है, हो सकता आप ज्यादा बेहतर जानते हो।